नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विधायक व भाजयुमो के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सिंह आसू ने अपनी पार्टी के स्टैंड का समर्थन करते हुए यह मांग की है कि जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए। बीजेपी विधायक ने इस मामले पर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोग सत्ता के लिए देश को बेच देंगे, जबकि भाजपा देश को सुरक्षित रखना चाहती है। असम में बांग्लादेशियों घुसपैठियों को लेकर एनआरसी के मुद्दे पर योगी सरकार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष आशीष सिंह आसू ने अपनी पार्टी के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष को देश नहीं दिखाई देता। हरदोई की मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के युवा विधायक व भाजयुमो को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार लंबे चौड़े काफिले के साथ हरदोई आए भाजपा विधायक आशीष सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो एकदम सही है। जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के लोगों का हक है वो सिर्फ यही के लोगों को मिलना चाहिए, बाहरी और घुसपैठियों को नहीं मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो एकदम बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। विपक्षी दल क्या क्या करते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो एकदम सही है कि जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए और हमारे देश के लोगों को जो हक वो लोग मार रहे हैं उनके उनसे उनको न मिलना चाहिए। और हमारी जो पार्टी ने निर्णय लिया एकदम सही। जो विपक्षी दल है इस पर आप बहुत आरोप लगा रही हैं आपकी पार्टी। विपक्षी दलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। विपक्षी दल क्या क्या करते हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि उन लोगों को बाहर से आए चाहे अंदर से आए बस उनको किसी तरह सत्ता मिल जाए, इस देश को बेच देने का काम करेंगे वो लोग। इसलिए हमको देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।